साकोली विधानसभा क्षेत्र में 20 नवंबर को संपन्न हुए चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला। इसमें महायुति, महागठबंधन और निर्दलीय के बीच जोरदार प्रतिस्पर्धा हो रही है। अब सभी की निगाहें इस पर है कि इनमें से कौन विजयी होगा। साकोली विधानसभा क्षेत्र में दोपहर 5 बजे तक 67.21% मतदान हुआ। इसमें महिला के मतदान से ज्यादा पुरुषों का मतदान था। कुल 3,28,476 मतदाता है। इनमें पुरुष 1,17,494, महिला 1,15,145, कुल मिलाकर 2,32,649 मतदाताओं ने मतदान किया और 70.82% रहा। साकोली तहसील में कहीं कहीं मतदान का प्रतिशत काफी ज्यादा था। वहां पर मतदान केंद्र पर लंबी कतारें लगी थी तो कहीं कहीं मतदान उम्मीद से कम मतदान दर्ज किया गया, क्योंकि गोवारी समाज द्वारा विधानसभा चुनाव पर बहिष्कार करने की घोषणा की थी। इस चुनाव में कांग्रेस के नाना पटोले, भाजपा से अविनाश ब्राह्मणकर और निर्दलीय डॉक्टर सोमदत्त करंजेकर के बीच त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है। महायुति और महागठबंधन के बीच संघर्ष के बीच निर्दलीय करंजेकर ने अपनी पहचान बनाई है और उनकी ताकत अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस और भाजपा ने अपनी पार्टी के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई लड़ी है, जिससे यह मुकाबला और भी कड़ा हो गया है। महायुति और भाजपा के बीच संघर्ष ने उम्मीदवारों को एक नई चुनौती दी है। वहीं निर्दलीय ने अपनी स्थिति मजबूत करते हुए इस चुनाव को और भी कड़ा बना दिया है।